ब्रेकिंग न्यूज कुशीनगर, हरेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर में लगने वाले पवित्र शालीग्राम पत्थर का आज यूपी में होगा प्रवेश। बिहार के गोपालगंज जिले से कुशीनगर की सीमा में प्रवेश करेगा पवित्र शालीग्राम पत्थर। विश्व हिंदू परिषद के अनुसार 2 बजे कुशीनगर की सीमा में प्रवेश करेगा पवित्र शालीग्राम पत्थर। सलेमगढ़ में होगा पवित्र शालीग्राम पत्थर का स्वागत पूजन। जिला प्रशासन ने पवित्र पत्थर के स्वागत और पूजन का किया इंतजाम। कस्या, कुशीनगर मुख्य द्वार, हाटा और हाटा में भी होगा पूजन कार्यक्रम। कई जनप्रतिनिधि और विहिप के पदाधिकारी पूजन समारोह में रहेंगे मौजूद। NH-28 पर बिहार सीमा से लगे बहादुरपुर से लेकर गोरखपुर सीमा तक सुरक्षा के रहेंगे इंतजाम। पवित्र शालीग्राम पत्थर सुरक्षा के लिए पुलिस बल के कड़े इंतजाम। बिहार से कुशीनगर की सीमा बहादुरपुर में प्रवेश करेगा पत्थर लेकर आ रहा ट्रक। तमकुहीराज, फाजिल नगर, कुशीनगर, हाटा, सुकौली बाजार होते हुए गोरखपुर जिले में प्रवेश करेगा पवित्र पत्थर ले जा रहे ट्रक। गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती होते हुए अयोध्या पहुंचेगा पवित्र शालीग्राम पत्थर। पवित्र शालीग्राम पत्थर से ही राम मंदिर में बनेगी श्रीराम दरबार की प्रतिमाएं। इन्हीं शालीग्राम पत्थर से भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी प्रतिमा बनेगी। नेपाल के गंडकी नदी से निकाली गई है पवित्र शालीग्राम के 2 विशाल पत्थर। 26 टन और 14 टन वजनी है दोनों शालीग्राम पत्थर। लाखों साल तक सुरक्षित रहती हैं शालीग्राम पत्थर से बनी प्रतिमाएं। गोरखपुर में रात्रि विश्राम करेगा शालीग्राम पत्थर और साथ चल रहे लोग। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष मुकेश त्रिपाठी ने दी जानकारी। सलेमगढ़ टोल प्लाजा पर चल रही तैयारी। पवित्र शालीग्राम शिला के स्वागत और पूजन की तैयारी।